हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूँ फिजिक्स ज्ञान मुकेश ने चैनल पे। यार एचएससी बोर्ड के एग्जाम होने के बाद कहीं ना कहीं मैक्सिमम बच्चे बहुत कंफ्यूज हो चुके हैं। आपका क्राइटेरिया मतलब जो सीईटी के लिए लगता है वो नहीं है, किसी का नीट का नहीं है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है बच्चों। लेकिन कुछ और चीज़ें आपके सामने मैं प्रेजेंट करने जा रहा हूँ एचएससी बोर्ड के बिलोंग। सर क्या कर रहे हैं, मैंने यहाँ पे लिखा है, बहुत सारे बच्चों को इसका मतलब भी पता नहीं है, और क्यों, कैसे रूल्स होते हैं, क्या रूल्स होते हैं, सब डिस्कशन होने वाला है। आइसोलेटेड सब्जेक्ट की एग्जाम क्या है, कैसी होती है, मैं बात करने वाला हूँ, और कैसे होती है, डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको इस सेशंस में मिलने वाली है। जो बच्चे क्लास ट्वेल्थ में पास हो चुके हैं उनके लिए ये रूल्स लागू हो सकता है। मैं क्लियर कट बहुत आराम से बात कर रहा हूँ बच्चों। जो बच्चे क्लास ट्वेल्थ वो आर्ट्स कॉमर्स साइंस हो, कोई भी स्ट्रीम से हो, एमसीबीसी हो, जो बच्चे पास हो चुके हैं और उनको लगता है कि मुझे इस सब्जेक्ट का नॉलेज लेना है, इस सब्जेक्ट को मुझे करना है कुछ, तो कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बताऊंगा मैं, जैसे मेरा ग्रुप था पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ठीक है, इंग्लिश हिंदी और एक कोई साइकोलॉजी सब्जेक्ट है। लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं इंजीनियर करना चाहता हूँ, ठीक है, मेरा मैथ नहीं था, अब मुझे मैथ लेना है, मैं अगले साल में सीईटी की अच्छी तैयारी करके मैं मुझे सीओपी वीजेटी आईसीटी में इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ, तो वो बच्चा एक ही सब्जेक्ट लेके कर सकता है। जैसे मुझे मैथ्स करना है तो मैथ्स लेके कर सकता है, मैथ्स में आप कर सकते हो। मेरी बात समझ में आ रही बच्चों, मैथ्स में आपको एक ही सब्जेक्ट का फॉर्म भरना है, वो फॉर्म भर के आप जुलाई, अभी जुलाई में एग्जाम है, जुलाई में एग्जाम दे सकते हो। क्या मेरी बात आपको सभी लोगों को समझ में क्लियर कट आ रही है क्या? ओके सर, कितने सब्जेक्ट लेके कर सकते हो? जैसे कि एक आर्ट्स का स्टूडेंट है, वो चाहता है कि साइंस के सब्जेक्ट पढ़ना चाहता है, तो पढ़ सकता है बच्चों। कैसे? चार सब्जेक्ट ले सकता है, मैक्सिमम आइसोलेटेड सब्जेक्ट आपको चार लेने का अधिकार है। कितने? चार, फोर। जैसे कि मैं चाहता हूं कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ्स, ये चारों सब्जेक्ट लेके मैं ये लेना चाहता हूं कि चारों सब्जेक्ट लेके मैं साइंस में जाना चाहूं, मतलब आर्ट्स का बच्चा आप साइंस में भी आ सकता है, कॉमर्स का भी आ सकता है, मतलब कॉमर्स की तो डिग्री है, साथ में चारों सब्जेक्ट को पढ़ सकता है आइसोलेटेड सब्जेक्ट लेके। सर कब कर सकते हैं? कभी भी कर सकते हैं, इस साल करो, अगले साल करो। इससे कुछ बच्चे बीएससी हो चुके, उनको लगता है कि नहीं यार मुझे ट्वेल्थ में मैथ्स लेना चाहिए था, मैथ्स नहीं सर मुझे बायोलॉजी पढ़ना चाहिए था, नहीं सर मुझे क्रॉप साइंस लेना चाहिए था, तो ये आइसोलेटेड सब्जेक्ट की एग्जाम ये इंडिविजुअल सब्जेक्ट की दे सकते। देखो इंप्रूवमेंट में ऐसा नहीं होता, इंप्रूवमेंट एग्जाम में सभी सब्जेक्ट लेके जैसे ट्वेल्थ की पहले टाइम जैसे एग्जाम दी थी छह सब्जेक्ट की, वैसे ही देना पड़ती है, प्रैक्टिकल देना पड़ता है। लेकिन एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है बच्चों, आइसोलेटेड सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट नहीं थे वो ले सकते हैं। बात समझो, आपको लगे सर मेरा मैथ में कमी आ ले, मैं आता आइसोलेटेड सब्जेक्ट घून दू का एग्जाम, तो नहीं, आप जो सब्जेक्ट थे उसकी आइसोलेटेड सब्जेक्ट बोल के एग्जाम नहीं दे सकते। आई विल रिपीट, ये एग्जाम आप नहीं दे सकते। क्या मेरी बात समझ में आ रही बच्चों? किसी को दिक्कत तो नहीं है, मैं डिटेल में बताने की कोशिश कर रहा हूं। आइसोलेटेड सब्जेक्ट की एग्जाम, जो सब्जेक्ट आपके ट्वेल्थ में नहीं थे न्यू सब्जेक्ट लेके दे सकते हो। जैसे कि मेरे सब्जेक्ट है पीसीएमबी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी, मैथ अगर आपको इंग्लिश और हिंदी है तो इसके अलावा सब्जेक्ट दे सकते हो, या पीसीबी ग्रुप वाला मैथ दे सकता है, पीसीएम वाला बायोलॉजी नहीं था तो दे सकते, इसको आइसोलेटेड सब्जेक्ट की एग्जाम कहते हैं। और कैसे होती है? जैसे एचएससी बोर्ड की एग्जाम होती है वैसे ही देना पड़ता है, जैसे कि अभी जुलाई में दे सकते हो, बाद में एक मार्च में दे सकते हो, कितने बार भी दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। तो ये आपको डिटेल इंफॉर्मेशन देने की मैं कोशिश कर रहा था। समझ में आया? आइसोलेटेड सब्जेक्ट समझ में आया बच्चों? इंप्रूवमेंट एग्जाम अलग, जो फेल हुए हैं उनको तो वही सब्जेक्ट देना वो अलग, इंप्रूवमेंट एग्जाम अलग, आइसोलेटेड सब्जेक्ट की एग्जाम देना अलग बात है। जो सब्जेक्ट नहीं था वो लेना चाहते हो उसको आइसोलेटेड सब्जेक्ट कहते हैं। एक ही सब्जेक्ट दे सकते हो, दो दे सकते हो, तीन चार पांच दे सकते हैं, नहीं, चार ही सब्जेक्ट मैक्सिमम टू मैक्सिमम दे सकते हो। ओके, उम्मीद करता हूं यह बात आपको समझ में आई होगी, आपको आइसोलेटेड सब्जेक्ट लेके देना है तो दे सकते हैं एग्जाम। तो आपको पीसीबी ग्रुप वाला
मैथ दे सकता, मैथ पीसीएम वाला, बायोलॉजी देना है तो दे सकते हो, जो चाहिए कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो चलो बच्चों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक करना जरूर, शेयर करना। बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।